साथियों नमस्कार। आज एक नए प्रोडक्ट के साथ जो कि सामने आपको नजर आ रहा होगा साथियों, ये प्रोडक्ट है सॉलिड कंपनी का 6600 सेट टॉप बॉक्स। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर मेरा जो टीवी है, टीवी देखिए पुराने टाइम का भी होता है, सीआरटी टीवी जो डब्बा टीवी बोलते थे, एलईडी भी होता है, एलसीडी भी होता है, आजकल जो नए तरीके के टीवी चल रहे हैं एंड्रॉयड टीवी वो भी टीवी कहलाते हैं, ठीक है, सारे टीवी में आते हैं। जब मैं टीवी वर्ड बोलता हूँ तो टीवी का मतलब है सारे टीवी में आ गए हैं। सारे डब्बों के ऊपर ये वाला सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल 100% आपका काम करेगा, ठीक है। सॉलिड कंपनी का 6600 का सेट टॉप बॉक्स है जो कि S2+T2 के साथ काम करता है, और जब मैं बात करता हूँ कि बगैर डिश एंटीना काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसको आप T2 एंटीना लगाकर, जो कि साथ में दिया हुआ है T2 एंटीना, ये लगाकर आप इसको बगैर डिश एंटीना भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी T2 एंटीना क्या है, काफ़ी सारे लोग सवाल करेंगे, भाई सर ये T2 एंटीना क्या चीज़ है, इसको क्या क्या मतलब है, इसका कोई क्या बवाल है, ये T2 एंटीना क्या है। ये देखिए T2 एंटीना जो पहले पुराने ज़माने में लगाया करते थे, आप लोगों को ध्यान होगा जो भारी भरकम एंटीना लगता था हमारी छतों के ऊपर, ये उसी श्रृंखला में T2 एंटीना है दोस्तों। तो ये वही T2 एंटीना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ये फ़र्क क्या हो गया कि ये रूम एंटीना के रूप में छोटे रूप में सामने आ गया है। जब आप इसको दीवार पर चिपकाएंगे इस तरीके से या किसी भी तरीके से, ये बिल्कुल चिपक जाएगा इसके ऊपर अच्छे से। इसको चिपकाने के लिए स्टिकर दिए होते हैं साथ में, इस स्टिकर की मदद से दोनों तरफ से काम होता है इन स्टिकरों का, इसकी मदद से आप इस एंटीने को दीवार पे या अपने विंडो पे चिपका कर इसका आनंद ले सकते हैं चैनलों का, जो कि T2 के चैनल हैं जिसे हम बोलते हैं कि बगैर डिश के सेट टॉप बॉक्स चलता है। अच्छा सुना है इस T2 एंटीने के साथ ही आपका, जिसे बगैर डिश एंटीना हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप S2 के साथ नहीं चला सकते। साथियों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सेट टॉप बॉक्स जो है ये S2 के साथ भी काम करेगा। S2 का मतलब है, देखिए दिखा देता हूँ आपको मैं, S2 का मतलब है LNB इनका पोर्ट। इस वाले बॉक्स को अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में सारे निकाल के दिखा रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या सामान आपको एसेसरीज मिल जाती है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं डब्बे को, पहले ये डिब्बा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसके अंदर हमारा एक ये सामान जो है मैं निकाले जा रहा हूँ, रिमोट निकाल लेता हूँ, इसका रिमोट है ये रिमोट हमने निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है, ये रिमोट हमने निकाल लिया है। अब मैं इसमें तो साथियों ये HDMI ये ऑडियो वीडियो केबल है जो इसकी, इसके साथ ये दी हुई है सॉलिड की, ये निकाल लेता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये दी हुई है, ठीक है, निकाल रहा हूँ। और इसका एक अडेप्टर है इसके अंदर साथियों, ये अडेप्टर मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर, ये अडेप्टर कहाँ फंस गया इसके अंदर जाके, ये देखिए ये अडेप्टर भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये रहा अडेप्टर, ठीक है, शुरुआत अडेप्टर से कर देते हैं। अडेप्टर साथियों इसका जो है वो हमारा है 1 एम्पियर के साथ और 12 वोल्टेज 1 एम्पियर के साथ, ठीक है, ये वाला अडेप्टर है सॉलिड कंपनी का, इस पर टैग दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से मजबूत अडेप्टर दिया हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा इसमें लेंदी है पीछे देखिए तार इसका, ठीक है, इसके साथ एक ऑडियो वीडियो केबल दिया हुआ है, अच्छा मजबूत ऑडियो वीडियो केबल दिया हुआ है, इस पर सॉलिड की ब्रांडिंग है, अच्छा मजबूत है ये, इसमें आपका देखिए मेटेलिक आगे इसकी जो नोब है सामने, ठीक है, दिखा रखा है इसके साथ पूरा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी रिमोट की, रिमोट स्लिमिंग में है और ये दिया हुआ रिमोट ही देखिए आप, ये रहा रिमोट, ठीक है, जो सेट टॉप बॉक्स पर लगता है सब पे वही रिमोट है इसका, ठीक है। टोटल बात कर लेते हैं दो साथियों हम इसकी, इसके सेट टॉप बॉक्स की, ये सेट टॉप बॉक्स क्या है, ये सेट टॉप बॉक्स हमारा है, ये निकाल लेते हैं हम सेट टॉप बॉक्स बाहर। अभी मैं बात कर रहा था इसका LNB का पोर्ट, तो ये LNB का पोर्ट यहाँ दिया हुआ है। अगर हम इस T2 एंटीना को यहाँ से लगाएंगे इसके ऊपर, ये वाला T2 एंटीना जो ये रखा हुआ है इसको मैं यहाँ लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये छतरी के साथ काम नहीं करेगा। अगर चाहें आप, अगर आपके पास डिश एंटीना है, छतरी है, DD फ्री डिश की पुरानी नई जो भी है, काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं सर पुरानी लगी, पुरानी का क्या मतलब होता है यार, अगर वो वर्किंग है तो चल रही है तो पुरानी क्या है। इस दुनिया में पुराना कुछ नहीं होता यार, पुराना कुछ नहीं है, कपड़े भी पुराने नहीं होते, प्रेस करके धोके पहन लिए नए हैं, कुछ नहीं है दिक्कत। यहाँ भी सेट टॉप बॉक्स में भी लोग बोलेंगे सर मेरे पास छतरी पुरानी लगी हुई पड़ी हुई लगी हुई है, क्या इस पर काम करेगी, क्यों नहीं करेगी यार, सब करेगी, ख़राब नहीं होनी चाहिए, करेगी, बिल्कुल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लंबा चौड़ा पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पैसा हमेशा सेव करके चला करो, जितने पैसे खर्च करने की आवश्यकता है उतना करिया करो, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, T20 ना यहाँ लग गया, यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो केबल जो लगता है, जो LNB इनका पोर्ट हमारी जो छत से आता है वो यहाँ लग जाएगा। ऑडियो वीडियो जो ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये तीनों जो नोब हैं, ये आपकी रेड वाइट और येलो, ये तीनों यहाँ लग जाएंगे इसके ऊपर। व्हाइट वाली ऑडियो की है, येलो वाली वीडियो की है। यहाँ पर आपका अडेप्टर का वायर लग जाएगा, जो ये वाला है जो मैंने दिखाया था अभी आपको, ये अडेप्टर जो है ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये सुरक्षा की सील दी हुई है कंपनी की। यहाँ पर आपका USB दिया हुआ है, HDMI दिया हुआ है, HDMI के साथ भी आप इसको चला सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी बेस्ट हो जाती है, हालांकि इस डब्बे के साथ नहीं है HDMI, लेकिन ये अलग से आप हमें डिमांड कर सकते हैं, हम दे देंगे आपको। वेंटिलेशन दिया हुआ है बकायदा, इस पर सुरक्षा सील लगी हुई है ऊपर, ये
ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर इसके ऊपर भी ये नंबर लिखा हुआ है, और बड़ी कंपनी सोल्ड कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि उसका सेटअप बॉक्स है ये। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ बात कर लूँ पीछे से तो ये हो गया, ये वेंटिलेशन हो गया। अगर मैं साइड में से दिखा दूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी वेंटिलेशन है, यहाँ पर वेंटिलेशन, छोटा सा सेटअप बॉक्स है, हथेली पर आ जाता है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। देखिए हथेली पर आ जाता है, छोटा आयरन बॉडी के अंदर है, लोहे की बॉडी के अंदर। आगे से मैं दिखा देता हूँ फ्रंट से, इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, उतारती चमक आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर भी पन्नी लगी हुई है, देखिए H2+T2, यहाँ पर कॉम्बो लिखा हुआ है। कॉम्बो का मतलब है कि T2+H2 दोनों से काम करेगा, चैनल प्लस चैनल माइनस बगैर डिसेंट नहीं काम करेगा। 6600, यहाँ पर USB सेकंड का ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड T2+H2 6600 MPG4, फुल्ली MPG4 है, फुल्ली HD है, 1080 पिक्सल के साथ है। कंप्लीट आपका ये T2 एंटीना के साथ आपको ये सेटअप बॉक्स मिल जाने वाला है, और बढ़िया तरीके से काम करेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा T2 एंटीना इसके साथ नहीं आता, ये अलग से लेना पड़ता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। सेटअप बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है, सभी फंक्शन इसके ऊपर पढ़ लीजिए, सब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जितनी भी पेन ड्राइवें लगेंगी, इस पर चार्जर चैनल्स की कैपेसिटी है, 2000 इसके अंदर आपकी कैपेसिटी चैनल्स की, ट्रांसपोंडर चार्जर चल जाएंगे इसके अंदर, आपकी जितनी भी पेन ड्राइव सब काम करेंगी, जितनी भी डिस्क स्विच काम करेंगे आपके, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सेटअप बॉक्स आपको दिखा दिया है, ये वाला T2 एंटीना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ की, इसकी डिस्क्लेमर की, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।